हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं राम अवधेश कुमार वेलकम करता हूं अपने चैनल ड्रीम पे। मैं नेटवर्कर और ग्रेडर ऑपरेटर जो अलसेफ कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी सऊदी अरबिया में अभी काम कर रहे हैं। हम लोग इसमें अभी मशीनों के बारे में अलग अलग वीडियो डाल रहे हैं, तो आज JCB का वीडियो डाल रहे हैं। देखिए, अगर अच्छा लगता होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लोडर उठता है, लोडर जिससे उठता है गिरता है, ये वाला इससे क्या होगा? इससे लोडर हो, मट्टी वाला लोडर उठता है, ऐसा उठ पीछे खींचने पर उठाता है, नीचे डाउन करने पर गिरता है, इधर करने पर पॉकेट खुलेगा बंद होगा, हाँ बाहर में खुलेगा, इधर में अंदर में बंद होगा, इससे फॉरवर्ड होगा आगे गाड़ी गियर के लिए, इसका पीछे फॉरवर्ड होगा, गियर लगा है ये गियर के लिए, ये वाला रिवर्स फॉरवर्ड हो गया ना, रिवर्स फॉरवर्ड आगे आगे देंगे, ये दबा के पुश करेंगे, नहीं दबाने का नहीं है, ऐसा ही फॉरवर्ड हो जाएगा। अच्छा, रिवर्स फॉरवर्ड आगे में पीछे में, हैंड ब्रेक इधर है, हैंड ब्रेक वो वाला है, हैंड ब्रेक लग गया, हाँ अब आगे पीछे ऐसा गिरा, हाँ अभी ऐसा गिराएंगे तो अब आगे पीछे होगा, पीछे वाला फंक्शन 8 है, ये वाला गियर जो है एक, अच्छा ये नंबर देने के लिए गियर 1 2 3 4, हाँ एक स्पीड के लिए है, नंबर देने के लिए, लोडर मारने के लिए 1 2 है, अच्छा लोड में 1 या 2 नंबर यूज करना, हाँ बस ये हो गया गियर का सिस्टम। नीचे ये अपना इथी का लाइट का वाइपर का, हाँ वाइपर का दोनों, ये हो गया पार्किंग लाइट लाल वाला, लाइट के लिए, ये लाइट के लिए हो गया, ये पार्किंग लाइट हो गया, पार्किंग ब्रेक वो वाला हो गया, वो तो दिखाया पहले, नीचे पे इधर हो गया, नीचे पंप वाला एक्सीलेटर, ये एक्सीलेटर है, ब्रेक है, बस दो ही है ना, दो ही है, क्लच का तो जरूरत है, डायरेक्ट क्लच है, क्लच इसका खराब है, क्लच इसमें रहता है, अच्छा। सब में यहाँ पर क्लच है, यहाँ पर क्लच है, यहाँ क्लच है, ये तो मैंने क्लच है, ये तो इसको दाबेंगे गियर लगेगा, इसमें इसको दाब के लोड मारेंगे, लोड उठाएगा, अच्छा अच्छा अच्छा। हाइड्रोलिक लॉक भी होगा जिससे हाइड्रोलिक लॉक हो जाता है? हाइड्रोलिक लॉक नहीं है इसमें, ये वाला बटन दिया हुआ है, ये वाला नहीं, ये 4x4 चलने के लिए, अच्छा अच्छा, 4x4 ज़्यादा लोड, 4x4 अभी 4x4 लगा है, जब लोड वाला काम है तो उसको ऑन कर देना, इसको 4x4 4x3 ऐसा 3 में लगेगा, ऐसा 4 में लगेगा, ऐसा 3 4 ऐसा लगेगा, ये तो हो गया लोडर का, लोडर का हो गया, जब के लिए दोनों फंक्शन है, पीछे वाला जब के लिए दोनों, ये जैक लगा के जैक को पहले गिराना पड़ेगा, पहले गिर गया, अभी यहाँ से एक्सीलेटर देना पड़ेगा, इससे स्पीड इसका स्लो, हाइड्रोलिक का, हाइड्रोलिक का लो स्पीड, तेज स्पीड, मैंने चलने के लिए कभी हमको दूर जा रहे हैं तो स्लो में जाना है, नहीं ये वोकट चलाने के, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं जैसा काम है हार्ड मिट्टी है तो उसको हाई लो दिया हुआ है, हाई लो इसलिए, ये दोनों लाइट का है, ये मीटर हो गया, मीटर ये हो गया अपना पॉकेट का, इधर स्टिक घसकाने के लिए, हाँ हाँ वो जो इधर से उधर घसकता है ना, इसी से घसके लास्ट वाले बटन से, जी एक बार खुलेगा क्या, क्या खुलेगा वो वाला, हाँ खुलेगा, अच्छा ऑन हो गया, ऑन हो गया, और उसको घसकाइए, अच्छा अच्छा इस साइड सारा, इस साइड गैस करेगा, उस साइड गैस करेगा, हाँ हाँ सरकाने के लिए, मैंने जिस साइड जरूरत है, अगर हमको मान लीजिए इसको 6 बोलते हैं,
ऐसा रास्ता पे इधर भी चाहिए तो ऐसा साइड में भी है। हाँ मतलब दोनों साइड खसक जाएगा, लेफ्ट लेना चाहेंगे इसको पूरा तो लेफ्ट चला जाएगा, राइट ले जाना चाहेंगे पूरा स्टिक को तो पूरा राइट चला जाएगा। अभी सेंटर में काम कर रहे हैं इसे, इसको यह स्टिक इससे लंबा होगा इससे छोटा होगा। हाँ हाँ नहीं जैसे खुलेगा इससे खुलेगा। हाँ इससे बंद होगा बकेट, इससे लंबा होगा। हाँ स्विंग वाला कौन है जो घुमा रहे हैं गोल गोल? हाँ वहाँ मैंने उसमें स्विंग दिया हुआ है, स्विंग वाला क्रॉस में दिया हुआ है। हाँ क्रॉस में दिया। और इस साइड अपने तरफ उसको खींचते हैं तो क्या करता है इसको? ये अपना बूम उठेगा। अच्छा अच्छा ये ऊपर लेके जाएगा स्टिक? बूम नहीं स्टिक इसका है। अच्छा स्टिक में ये हाथ में स्टिक है, चार इसमें फंक्शन है, चार इसमें आठ एक एक करके बताइए तो एक इसका पहले स्टिक है। हाँ इससे ये स्टिक खुल रहा है, स्टिक हो रहा है। हाँ ये बॉकेट खुलेगा। हाँ ये तिरछा तिरछा जब हम करते हैं बॉकेट बंद हो रहा है, ये बॉकेट के लिए दिया गया बॉकेट खुल रहा है बंद। उसके बाद ये बूम डाउन होगा, एक एक यूज कीजिए उसको, ये बूम डाउन होगा। अच्छा और उठेगा सेविंग घुमाने के लिए इसमें। अच्छा हाँ उस तरफ ले गए तो स्विंग घूम रहा है। ये पिन पिन फंसाने के लिए तो वहाँ पिन के लिए वहाँ लॉक दिया हुआ है, इसमें लॉक है और पिन फंसाने के लिए वहाँ पर भी लॉक है, वो अगर उसमें लॉक किया जाता है तो समझ में आ रहा होगा जानकारी। हाँ जानकारी कौन चीज का ध्यान ज्यादा देना पड़ता है इसको चलाने के टाइम में? इसमें एकदम बराबर लीवर को दोनों लीवर को मिक्स मशीन को पूरा बराबर में खड़ा होना चाहिए, बराबर में देख कर जब बराबर में खड़ा होना चाहिए। हाँ ज्यादा ऊंचा नीचा नहीं उसे तो पलटे भी होने का संभावना रहता है, लेवल बराबर होना चाहिए। कैसा मशीन लगाने का तरीका आगे करता सब बन गया। आगे वाला ये सब बेस है, इसको मिक्स कर रहे हैं जेसीबी से, पहले खड्डा बना के हाई स्टाफ ही ऑपरेटर ही हैं ये टीएमबी में, अलग अलग काम आते रहता है जेसीबी का तो मल्टीपर्पज़ यूज है इसका। छोटा सा कोशिश कहीं भी अगर आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो जगह छोटे से छोटे जगह लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इससे हम लोगों का मोटिवेशन बना रहता है ताकि नए से नए वीडियो और आपको डालें ज़्यादा तक पहुंचा सकें। ज़्यादा डिटेल जानकारी नहीं दे पाते हैं क्योंकि सब अपने अपने काम में ही टाइम नहीं मिल पाता है, तो जो दो चार मिनट टाइम मिलता है तो उसी में कुछ उनसे पूछ लिए, कुछ हल क्वेश्चन होगा तो क्लिप बना लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम कोशिश करेंगे जवाब देने का जो भी आपका सवाल। देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, शुक्रिया।